क्रिएटिव क्राफ्ट एंड क्रिएशन में आपका स्वागत है। मैं सरोज महेश्वरी आपके साथ आज मेहंदी की डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ। अभी हाल ही में मैंने आपके साथ कोन कैसे बनाया जाए मेहंदी के लिए वो शेयर किया था, और आज हम बनाएंगे मेहंदी की डिज़ाइन। तो अभी हम मेहंदी की डिज़ाइन बनाएंगे पेंसिल से ही, क्योंकि मैं अभी आपको ड्राइंग सिखा रही हूँ। तो यहाँ पर मेहंदी की डिज़ाइन बनाने के लिए मैंने वही A4 साइज़ की शीट ले ली है, साथ में लिया है रबर, पेंसिल, शार्पनर, स्केच पेन। और यहाँ पर मैंने एक हैंड को कट किया हुआ है, आप देखेंगे, सॉरी हैंड मतलब मैंने जो हाथ की कटिंग की है वो की है एक ड्राइंग शीट के ऊपर, या आप इसी तरह से कोई भी शीट या प्लास्टिक शीट या एक्सरे जो हमारे पुराने हो जाते हैं उन्हें भी ले सकते हैं, और इस तरह से हाथ ड्रॉ करके आप कट कर सकते हैं। तो आपको लेफ्ट या राइट जो भी हैंड बनाना है आप इस तरह से ड्रॉ कर पाएंगे। तो आइए बनाना शुरू करते हैं बैक हैंड डिज़ाइन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्केच पेन लेंगे, और जैसा कि आपको बताया A4 शीट ली है हमने, A4 साइज़ की शीट ली हुई है, और जो हमने ये कट आउट किया है हैंड का उसे हम ड्रॉ कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने A4 साइज़ की जो शीट ली थी उसके ऊपर हैंड को ड्रॉ कर लिया है, और अब हम डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो डिज़ाइन बनाने के लिए तो मैंने यहाँ पर एक किस तरह से छोटी सी डॉट बनाई है, और डॉट बनाने के बाद हम बनाएंगे एक राउंड या सर्कल, और इसे हम थोड़ा सा थिक करेंगे। और अब हम बनाएंगे कंगूरे, तो हमें छोटे छोटे से कंगूरे बनाने हैं, बहुत ही बारीक बारीक इस तरह से। तो यहाँ हमने कंगूरे बनाए हैं, और इसके बाद हम बनाएंगे कंगूरों के ऊपर लाइन। तो मैंने यहाँ पर एक लाइन बना ली है, और इसके बाहर हम एक और आउटलाइन बनाएंगे बिल्कुल पास से। और ये वाली लाइन को भी हम थोड़ा सा करेंगे थी। और अब हम बनाएंगे थोड़े से बड़े साइज के कंगूरे इस तरह से। और ये जो मैं आपके साथ डिज़ाइन शेयर कर रही हूँ ये बैक हैंड डिज़ाइन है, और बहुत ही इजी है, आपको सीखने के लिए बहुत इजी पड़ेगा, बहुत ही जल्दी इसको लगा पाएंगे। मैं पहले भी आपके साथ कुछ मेहंदी की डिज़ाइन शेयर कर चुकी हूँ जो कि हमने बनाए थे, बहुत ही छोटे छोटे से डिज़ाइन जिनसे आप आसानी से बनाना सीख सकते हो। तो हमने यहाँ पर बड़े साइज के कंगूरे बनाए हैं, और अब हम इसी के पास बनाएंगे एक आउटलाइन, और आउटलाइन बनाने के बाद हम इसे थोड़ा सा थिक करेंगे। तो यहाँ पर अब मैं स्केच पेंसिल से थिक कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं जो हमने कंगूरे बनाए थे उसके बाहर बनाई थी आउटलाइन, तो उसे मैंने स्केच पेन से थोड़ा सा थिक कर लिया है। और एक बार हम फिर से आउटलाइन बनाएंगे थोड़ा सा डिस्टेंस रखते हुए, और ये जो आउटलाइन है ना इसको थोड़ी सी मोटी बनाएंगे, क्योंकि जब हम मेहंदी से जो डिज़ाइन लगाते हैं तो उसे आउटलाइन अगर मोटी बनाएं और अंदर हम बारीक फिल करें तो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन लगता है। आप देख ही पा रहे होंगे कि हमने यहाँ पर किस तरह से बना लिया है। और अब हम बनाएंगे इस तरह से, इसे आप पान कह सकते हैं या फिर आप फ्लावर्स की पैटर्न्स कह सकते हैं, और ये बहुत ही सिंपल है। आप देख ही पा रहे होंगे कि मैं कितने इजी वे में बना रही हूँ, और ये बहुत इजी है और वाकई बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाता है। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि हमने ये डिज़ाइन को बनाकर कंप्लीट कर लिया है जो हमें राउंड में बनाना था। और इसमें हम करेंगे शेडिंग, तो शेडिंग करने के लिए मैं यहाँ पर पेंसिल का इस्तेमाल करूँगी इस तरह से, और हमें शेडिंग सेंटर से शुरू करनी है और नीचे तक लाना है इस तरह से। शेडिंग के बाद ये फ्लावर बहुत अच्छा लगता है, तो मैं पूरे फ्लावर्स में शेडिंग कर लूँगी। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ पर फ्लावर में शेडिंग करके इसे कंप्लीट कर लिया है। और आगे का डिज़ाइन बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ से हम इस तरह दोनों तरफ से इस तरह कर्व देते हुए लाइन को बनाएंगे, और यहाँ पर हम बनाएंगे एक बड़ी सी डॉट, और डॉट को हम इस तरह से खींच देंगे। तो यहाँ भी हम पूरे फ्लावर्स में इसी तरह से
डिज़ाइन को बना करके कंप्लीट कर लेंगे। आप देख रहे हैं ना, ये देखने में कितना सुंदर लग रहा है। तो बस इसी तरह से मैं इसे पूरा कंप्लीट करूँगी। तो आप देखेंगे मैंने यहाँ डिज़ाइन को कंप्लीट कर लिया है। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये बैक एंड डिज़ाइन है, तो अगर आप बैक एंड डिज़ाइन बना रहे हैं तो ये जो हमारे फिंगर्स के ऊपर ये इंचेस बने होते हैं ना, तो आप इस तरह से इसमें लाइन को बना दें। और अगर ये फ्रंट डिज़ाइन है तो आपको इसको क्या करना है, पूरा फिल करना है। और अगर ये बैक एंड डिज़ाइन है तो यहाँ पर आप इस तरह से नेल्स बना दें, जिस तरह की हमारे बैक एंड तरफ नेल्स बने होते हैं उसी तरह से। और आप ये नेल्स को इस तरह फिल कर दें जैसे कि नेल पेंट लगा होता है। तो इससे एकदम क्लियर रहेगा कि आपने ये बैक एंड डिज़ाइन बनाया है या फ्रंट एंड। आप देखेंगे लग रहा है ना बिल्कुल नेल्स की तरह। तो इसी तरह से हम सभी फिंगर्स में नेल्स बना लेंगे, पर ये मैं बाद में बनाऊंगी। अभी हमें बनानी है फिंगर्स के ऊपर भी डिज़ाइन। तो या तो आप इस तरह से फिंगर्स पे हाफ सर्कल बना करके, और ये जो हमने फ्लावर्स पेटल बनाई है इस तरह से बना लें, और जो ऊपर का पार्ट हमने बनाया है इस तरह, तो वो भी आप इसी तरह से बना लें। और बाकी यहाँ पर हम शेडिंग कर देंगे फ्लावर्स में। और ये जो आप देख रहे हैं हाफ सर्कल बना हुआ, इसको हम थोड़ा सा फिल करेंगे। तो इसी तरह से हम पूरी डिज़ाइन कंप्लीट कर लेंगे। तो अब यहाँ पर देखेंगे मैंने फिंगर्स के डिज़ाइंस को कंप्लीट किया हुआ है, और साथ ही मैंने नेल्स भी बना लिए हैं। तो आप या तो इतना ही हैंड बनाकर मेहंदी लगा सकते हैं, मतलब कि जो मैंने मेहंदी का डिज़ाइन बनाया है, और अगर आप चाहें थोड़ा सा आगे बढ़ाना तो आप यहाँ पर इसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको थोड़ा सा डिज़ाइन बनाकर बताऊँगी कि हम यहाँ इस तरह से एक लाइन को खींच लेंगे, और इसी तरह हमें कोन से भी बनाना है। यहाँ पर भी हमें फ्लावर्स की पेटल्स ही बनानी है, या आप इसे पान कहते हैं तो आप वो बोल सकते हैं। और इस तरह से हम डिज़ाइन बनाएंगे जो हमने फ्लावर्स के ऊपर बनाया है, पूरा सेम हमें वही बनाना है। और जो आप यहाँ पर देख रहे हैं इसमें हम शेडिंग कर देंगे, और आप चाहें तो यहाँ पर भी बना सकते हैं, या फिर आप यहाँ इस तरह से हाफ सर्कल बना लें। और इस तरह थ्री पेटल्स का भी डिज़ाइन बना सकते हैं। और जो भी फ्लावर्स की पेटल्स हैं इसमें हमें शेडिंग करनी है। तो आप समझ ही गए होंगे कि ये कितना इजी डिज़ाइन है। और इसी तरह से हम इसे कंप्लीट कर लेंगे। और हमने जो हाफ सर्कल बनाया था उसमें उसके अंदर हमने एक और अंडरलाइन करके और उसे फिल कर दिया है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि बहुत ही सुंदर मेहंदी का डिज़ाइन बनकर कंप्लीट हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि मैंने मेहंदी का डिज़ाइन बनाकर कंप्लीट कर लिया है। और लग रहा है ना ये बहुत ही ईजी, हमने सिंपली क्या किया, एक हैंड का कटआउट लिया, उसको हमने ड्रॉ किया, और ड्रॉ करने के बाद हमने सेंटर में एक सर्कल बनाया, उसके बाद हमने कंगूरे बनाए, फिर हमने आउटलाइन, फिर कंगूरे, फिर आउटलाइन, और उसके बाद ये फ्लावर्स की पेटल्स बनाई। और आप देख रहे हैं ये मोड़ करते हुए हमने इसमें एक डिज़ाइन दे दिया है, और ये बहुत ही सिंपल सा डिज़ाइन है। पता है आप यकीन मानेंगे, जब आप इसे लगाएंगे तो आपको लगाना बहुत ही ईजी लगेगा, और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा, और रचने के बाद ये बहुत सुंदर दिखेगा। तो उम्मीद है आपके साथ जो मैंने डिज़ाइन शेयर की है वो आपको पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और इसी तरह से मैं आपके साथ और भी कई सारी इजी मेहंदी डिज़ाइन शेयर करूँगी।